पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A, जी हाँ आर्टिकल 35A भी सुर्खियों में, और पाकिस्तान वहां पर भी अपनी नापाक चाली चल रहा है। घाटी में 35A पर पाकिस्तान का नापाक एजेंडा चल रहा है। जम्मू कश्मीर के नेता ऐसी खबरें हैं कि दरअसल ये बता रहे हैं 35A हटाने को लेकर सरकार अध्यादेश ला सकती है। इसी के बाद पीडीपी और से लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तक सभी एक सुर में पाक परस्त हो गए, देश विरोधी बयान देने लगे। महबूबा मुफ्ती ने तो खुलेआम धमकी दे दी कि आग से ना खेलें वरना नतीजे 1947 से भी बुरे होंगे। अनुच्छेद 35A पर कश्मीरी नेताओं के चेहरे एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के गद्दारी वाले बोल सुनिए। आग के साथ मत खेलिए, अगर आपने ऐसा किया इसके नतीजे इतने खतरनाक होंगे जितना आपने 1947 से लेके आज तक कभी जो नहीं देखा है वो देखने को मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी देश को कैसे धमकी दी ये भी सुनिए। अब आप जम्मू कश्मीर में 35A के साथ खिलवाड़ करोगे, अरुणाचल से ज्यादा बदतर यहाँ के हालात हो जाएंगे होंगे, और मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। 35A पर डराने धमकाने का खेल कांग्रेस भी खेल रही है। I will stand for 35A in the Lal Chowk. If it is finished, it will create a revolt here. अब सवाल ये है कि क्या कश्मीर के ये नेता 35A पर पाकिस्तान का नापाक एजेंडा चला रहे हैं? क्या इन नेताओं को कश्मीर में 35A हटने से सियासी दुकानदारी खत्म होने का डर है? कांग्रेस बताए कि उनका एजेंडा क्या है। जिनको लगता है कि नहीं होना चाहिए उन सारे लोगों को सामने आना चाहिए। 35A पर जी न्यूज क्या मानता है हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर में झगड़े की जड़ है आर्टिकल 35A, जो धारा 370 का ही हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता देता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना भी अपराध नहीं माना जाता। और भी विवाद की कई वजह हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर में ऐसे आर्टिकल का अंत अब जरूरी है। इसी में देश का भला है और जम्मू कश्मीर का भी हित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महबूबा मुफ्ती का आपने विवादित बयान सुना, कैसे आग भड़काने की कोशिश वो कर रही है। वैसे वो अकेली ऐसी नेता नहीं, कई कश्मीरी नेता ऐसे ही भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे आगे हैं पीडीपी के अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। हम चाहते हैं कि देश हित में हमारे दर्शक एक बार फिर महबूबा मुफ्ती का ये पूरा राष्ट्र विरोधी बयान सुने और सोचें कि जम्मू कश्मीर आखिर इतने लंबे वक्त तक कैसे नेताओं के हाथों में रहा। ये वो नेता हैं जो वोट बैंक के खातिर खुलेआम युद्ध की धमकी दे रही हैं, कश्मीरियों को देश के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। क्या हमें ऐसे लोगों को अपना कीमती वोट देना चाहिए? आज ये बयान सुनकर फैसला हर कश्मीरी को भी करना है। जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है, उसको कांधा देना भी मुश्किल हो जाता है। आग के साथ मत खेलिए, 35A के साथ फिडल मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया इसके नतीजे इतने खतरनाक होंगे जितना आपने 1947 से लेके आज तक कभी जो नहीं देखा है वो देखने को मिलेगा। आर्टिकल 35 के ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर अटैक होता है तो मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे को छोड़ के कौन सा झंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आर्टिकल 35A के बारे में सिर्फ सुना होगा। ये क्या है, इसका फायदा नुकसान क्या है, ये पूरी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। तो 35A पर देश हित पाठशाला में आपको आपके सभी सवालों का जवाब देने का वक्त। 35A को लेकर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ये है क्या अनुच्छेद 35A? जवाब है, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देने वाला कानून है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 35A में प्रावधान क्या है, कहता क्या है? स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय करने का अधिकार है 35A। जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक कौन, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। और 14 मई 1954 से रहने वाले लोग ही यहाँ पर नागरिक माने जाते हैं। तो फिर अनुच्छेद 35A में क्या विशेषाधिकार है, क्या स्पेशल राइट्स है? जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। महिलाओं के अधिकार पर इसमें क्या कहा गया है 35A में? ये बहुत ही गौर फरमाने वाली बात है, दूसरे राज्य में अगर महिला शादी कर लेती है तो जम्मू कश्मीर में ऐसी महिलाओं की नागरिकता खत्म हो जाती है और उनके बच्चों के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं।
हटाने की मांग क्यों की जा रही है? संसद के जरिए इसे लागू नहीं किया गया था, इसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए लाया गया था और इसीलिए इसे कहा जा रहा है ये तो एक टेंपरेरी प्रोविजन था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए आया था। लेकिन ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स लगातार जारी है 35A को लेकर। कोई ये कह रहा है कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि विद्रोह तक की धमकियां कांग्रेस की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पीडीपी की तरफ से और लगभग हर सियासी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में इसी तरह की धमकियों ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स।